लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर तिपरा लैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी। बट इफ़ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशन, देन हम लोग सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे। जब तक नहीं होगा मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाना। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, मुझे डिप्टी सीएम का ऑफर किया गया है। चित्र बाबू आपको भी ऑफर किया गया, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक एनी वे यू आर ऑल्सो कमिंग। तिपरा साहब क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर तो दे देते, क्योंकि आदत हो गया है कि तिपरा साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुँच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है? मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन सेटलमेंट देने आया हूं। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड ऑफ ग्रेटर तिपरा लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा सा, मैं ये उस दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था एंड आई थिंक यहाँ में ऑल माय सीनियर लीडर्स आर हियर बारिंग विजय बाबू, ही इज एन अम्बेसडर। मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए पोस्ट के लिए करते करते आज तिपरा साहब लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट में फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर तिपरा लैंड डिमांड करना है। अब अगर हम लोग एक रहे थानसा रहा तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ये पैसा 5-10 लीटर के लिए। वी वॉन्ट सोल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख तिपरा साहब पीपल, उसके बारे बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डिप्टी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव तिपरा मोथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को एक दो आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को तिपरा साहब इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे, उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। जब कंचनपुर में हमारे ग्रुप को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ क्योंकि यहाँ में आप खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, आई रिजाइन्ड एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं गया एंड आई सेड ग्रुप को त्रिपुरा में रहना चाहिए। अमित शाह इज ऑन रिकॉर्ड थैंकिंग मी फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ग्रुप। I want the Brews to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, mera ek sapna hai ki one of the rehabilitated Brew in Tripura should also become one day a MLA, minister and MP. State government ne isko continuously delay kiya. Ye accord sign kiya gaya 2020 mein. 2022 September end ho raha. Till now, because of internal politics, दो तीन एनजीओस जो कंचनपुर में बैठे हैं उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया। स्टेट गवर्नमेंट को, हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले इसके लिए हुआ है क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स के बात सुना है। सेकंड, द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू आंसर टू द हाई कोर्ट, वी आर आल्सो वेटिंग। विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक, पीपल गाँव में सफर कर रहे हैं। आपने
म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया, और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पॉन्स को, उसके बाद आई विल रिएक्ट। लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस पॉलिटिक्स शुड बी प्लेड इन द नेम ऑफ आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आवर ब्रू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये एनजीओस लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब वी सेटल पीपल फ्रॉम अनदर कंट्री, डिड वी टेक परमिशन फ्रॉम द थानी बुसा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अस अ कमिटमेंट दैट ब्रूज हैव टू बी रिहैबिलिटेटेड एंड दे हैव टू बी रिहैबिलिटेटेड एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन टू मच टाइम बिकॉज दे हैव बीन लिसनिंग टू फ्यू एनजीओस फ्रॉम Kanchanpur and they are playing communal politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM. আজকে দল সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছে, এই দলে অনেকেই থাকবে, গণতান্ত্রিক দল নাই, একটা কী বলা যায় শরীরতান্ত্রিক দল হয়ে গেছে। একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, দুই দিন পরে, দুই মাস পরে, এক বছর পরে আরেক দলে গেলাম, তিন মাস পরে আরেক দলে গেলাম, এটাকে পলিটিক্স বা রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে তো আমি 17 যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকালবেলায় আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিলিঙ্কুইশ করেছি, আর এই দলে আজকে যোগ দিলাম। কেন দিয়েছি আমি তো একটা শ্লোকের মাধ্যমে বলে দিয়েছি, কাজ করতে দেওয়া হয় না এই অর্থে আমাকে দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। কি দিয়ে কাজ করব এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না বলা। आया महाराज सर, आज बुरबू मोहन त्रिपुरा ने बीजेपी एमएलए पद से रिजाइन कर लिया है और पार्टी से भी रिजाइन कर लिया है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो इनके साथ मैं आया हूँ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। इन्होंने बोला है कि इनको और नेशनल पार्टी में पॉलिटिक्स नहीं करना है, इनको तीव्रता का कॉज में इनको शामिल होना है, तो मैं इनके संग आया हूँ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। स्पीकर को रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया।